नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30x40 स्क्वायर फीट हाउस एस्टीमेट के बारे में। इसका एस्टीमेट देखने से पहले इसका एक बेसिक प्लानिंग देख लेंगे हम, जो कि हमने 3D वॉक थ्रू के माध्यम से आपको समझाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लानिंग में सबसे पहले पार्किंग में एंटर करते हैं। 10x15 का बड़ा सा पार्किंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी SUV वगैरह इजीली पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको 5 फीट का पैसेज मिल सकता है, जहाँ पे आप छोटा सा गार्डन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं। फ्रंट साइड में हमारा एंट्री है, तो ड्राइंग रूम में सबसे पहले अभी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 12x14 का है, काफी अच्छा सा साइज है, जिसमें 10-12 लोगों की सीटिंग आराम से हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्राइंग रूम का साइज किस तरह से है। 12x14 काफी अच्छा साइज हो जाता है, 2 विंडो मिल जाती है आपको वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद हम इंटर करते हैं लॉबी एरिया में। तो यहाँ पे आपको एक किचन मिलेगा, 2 बेडरूम के लिए यहाँ पे मिलेगा जाने के लिए, और स्टेयरकेस और वॉशरूम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा स्टेयर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद आपको कॉर्नर में वॉशरूम मिलेगा, जो कि ड्राइंग रूम के साइड में है। तो यहाँ पे 4x8 फीट का एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि काफी बड़ा सा है, 4x8 काफी अच्छा है। पीछे में वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया या लॉबी एरिया, जिसे आप कह सकते हैं। अभी हम इंटर करेंगे किचन में। तो किचन का यहाँ पे जो साइज रहेगा वो 10x10 का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन किस तरह से है। फ्रंट साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये 10x10 का हमारा किचन आ जाएगा। पीछे आ जाते हैं हम फिर डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ पे अभी हम 2 बेडरूम देख लेंगे, जिसमें से राइट साइड वाला हम बेडरूम देखेंगे सबसे पहले। तो ये जो बेडरूम है हमारा 12x14 का बेडरूम है। यहाँ पे एक डक दिया है वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 का, तो जहाँ पे विंडो लगाई गई है। अभी नेक्स्ट बेडरूम देखेंगे, तो डाइनिंग एरिया से ही हम नेक्स्ट बेडरूम में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यू इसका डाइनिंग एरिया का। तो अभी हम नेक्स्ट मास्टर बेडरूम में जाएंगे। तो इसका भी साइज 12x14 का है, जिसमें हमने अटैच वॉशरूम दिया है। डक्ट में वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। अटैच वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अटैच वॉशरूम भी हम इसका देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। अटैच वॉशरूम का जो साइज रहेगा वो 4x7 फीट का रहेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सा अटैच वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। इसी तरह हम मास्टर बेडरूम से अभी बाहर निकलेंगे और फिर हम डाइनिंग एरिया में अभी इंटर करते हैं। तो ये अभी हमारा डाइनिंग एरिया होगा दोस्तों। एस्टीमेट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो एस्टीमेट में सबसे पहले हम एक्सकेवेशन की बात कर लेंगे। रेट हमने यहाँ पे 2023 के हिसाब से डिजाइन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक्सकेवेशन की बात करूँ, तो 2200 क्यूबिक फीट तक हमें एक्सकेवेशन जाएगा, जिसका कॉस्टिंग आपको 26,400 रुपये तक जा सकता है दोस्तों। फिलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो 3 फीट का अगर हम फिलिंग करते हैं फाउंडेशन में मुरम के माध्यम से, तो यहाँ पे 3,000 क्यूबिक फीट तक हमें फिलिंग करना पड़ेगा। और इसका जो अमाउंट आएगा 45,000 आ जाएगा, 15 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से आपको इसका मटेरियल कॉस्ट पड़ेगा दोस्तों। सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो सीमेंट यहाँ पे आपको 350 बैग सीमेंट लगेगा। 400 रुपये के हिसाब से आपको सीमेंट जो जाएगा वो 1,40,000 तक जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं स्टील की बात करूँ, यानी लोहे की बात करूँ, तो स्टील आपको 3,400 kg तक जाएगा, यानी 3.4 टन, यानी 34 क्विंटल, 70 रुपये के हिसाब से इसका रेट रहेगा। तो 2,38,000 रुपये इसका अमाउंट जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंड की, तो सैंड की यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 2500 क्यूबिक फीट तक आ जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे टोटल इसका अमाउंट 1,50,000 आ जाएगा, 60 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से इसका रेट रहेगा। एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ, तो 1500 क्यूबिक फीट तक इसकी क्वांटिटी आ जाएंगी, 30 रुपये पर क्यूबिक फिट का रेट रहेगा, और 45,000 इसका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेड ब्रिक्स की, तो रेड ब्रिक्स के यहाँ पे टोटल 18,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएंगे आपको, जिसमें आपका पैरापिट आ गया, उसके बाद आपका बाउंड्री वॉल आ गया, और आपका फाउंडेशन का भी आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, और आपका फ्लोर का आ गया, जिसमें आपका इनर वॉल 4 इंचेस का रहेगा। तो 8 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे 1,44,000 तक आ जाएगा रेड ब्रिक्स का। इसके बाद अगर लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे टोटल 1200 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 3,60,000 आ जाएगी, 300 के हिसाब से यहाँ पे हमने लिया है, जिसमें आपका फाउंडेशन प्लस फ्लोर दोनों इंक्लूड है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल की यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वो रहेंगी 800 स्क्वायर फीट, 50 के हिसाब से टोटल अमाउंट 40,000 हो जाता है। यहाँ पे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेरेमिक टाइल की अगर मैं बात करूँ, तो सेरेमिक टाइल की यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 400 आ जाएंगी। सेरेमिक टाइल हम वॉशरूम में लगाते हैं, तो इसका 30 रुपये के हिसाब से इसका जो रेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा इसका 12,000 रुपये। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किचन फॉर टाइल, यानी किचन के ऊपर जो हम डैडोस कटिंग वगैरह लगाते हैं किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे जो 100 स्क्वायर फीट की टाइल लगाएंगे उसकी कॉस्टिंग 3,000 रुपये आ जाएगी।
पोर्च में यानी पार्किंग एरिया वगैरह में हम जो टाइल लगाएंगे उसका जो टोटल एरिया रहेगा 200 स्क्वायर फीट रहेगा। यहाँ पे टोटल इसका जो अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपये रहेगा, 30 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ पे टाइल ली है। इसके बाद टाइल फिटिंग चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो टाइल फिटिंग चार्ज आपका यहाँ पे टोटल एरिया 1,400 स्क्वायर फीट आ जाता है, यानी यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट का मेजरमेंट आ जाता है 1,400 स्क्वायर फीट, 15 के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे 21,000 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट का यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी रहेगा 300 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसमें आपका जो स्टेयर के में जो आप ग्रेनाइट लगाएंगे, आपका किचन प्लेटफॉर्म में जो ग्रेनाइट लगाएंगे उसका क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट 42,000 आ जाता है। ग्रेनाइट आपको 100 से 150 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाता है। इसके अलावा आप इटालियन मार्बल वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली जाता है, जिसका रेट 350 से 400 रुपये केजी का रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म की तो ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म को बनाने में 15,000 रुपये का कॉस्टिंग आ जाता है दोस्तों। इसके बाद आपको अगर डोर फ्रेम लगाना है तो टोटल 8 नंबर ऑफ डोर फ्रेम हम लगाएंगे। टिकोड़ की डोर फ्रेम आपको 4,000 रुपये पर फ्रेम पड़ेगी, टोटल 32,000 इसका अमाउंट आ जाएगा डोर फ्रेम का। फ्लश डोर की मैं बात करूँ तो फ्लश डोर का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लश डोर 6 रहेंगे, यहाँ पे 6,000 के हिसाब से टोटल अमाउंट 36,000 आ जाता है। वॉशरूम डोर की मैं बात करूँ तो 2 वॉशरूम डोर आपको 6,000 में मिल जाएंगे। विंडो ग्रिल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो विंडो ग्रिल यहाँ पे टोटल 5 लगाई है हमने, तो 5 विंडो ग्रिल आपको 2,000 रुपये पर ग्रिल के हिसाब से 10,000 में पड़ेंगी। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की मैं बात करूँ तो आज के समय में 6,000 रुपये पर विंडो के हिसाब से टोटल अमाउंट 30,000 हो जाता है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का। लोड विंडो की मैं बात करूँ तो लोड विंडो का अमाउंट यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, लोड विंडो वॉशरूम में जो हम लगाएंगे। इसके बाद वाटर टैंक की अगर मैं बात करूँ तो वाटर टैंक यहाँ पे 1,000 लीटर का आपको वही 6,000 में पड़ेगा। इसके बाद वॉल पेंट विथ पुट्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये 75,000 तक आपको इसका कॉस्टिंग जाएगा दोस्तों। ये 75,000 से 1,00,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं। रेलिंग की मैं बात करूँ तो रेलिंग का यहाँ पे 18,000 कॉस्टिंग आ जाएगा, रेलिंग जो स्टेयरकेस में हम लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लम्बिंग की तो प्लम्बिंग का यहाँ पे 30,000 कॉस्टिंग आ जाएगा आपको। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का आपको यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 75,000 आ जाएगा। इसके बाद मेन गेट अगर मैं देखूँ तो मेन गेट यहाँ पे आपको 50,000 तक मेन गेट लग जाएगा दोस्तों। तो ये टोटल आपको जो कॉस्टिंग पड़ेंगी पूरे बिल्डिंग की वो रहेंगी 16,59,400 रुपये, यानी 16,59,400 में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है 2023 में। तो अगर आप 2023 के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका 16 से 17 लाख के बीच में बजट होना चाहिए क्लास 2 मकान के लिए। इसके अलावा आप इसमें अगर फॉल सीलिंग वगैरह जैसे आइटम, मॉड्यूलर किचन जैसे आइटम ऐड करते हैं, इंजीनियरिंग का कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, आर्किटेक्ट का सुपरविजन के लिए रखते हैं, तो उसमें और 2-3 लाख रुपए इसमें प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे आपका 18-20 तक भी जा सकता है। तो ये जनरली नॉर्मल एक क्लास 2 का मकान बनाते हैं तो 16.5 लाख रुपए तक आपका बजट जाता है, जैसा कि यहाँ पे 16,59,400 रुपये आपका कॉस्टिंग आया है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा एस्टिमेट, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारी कंपनी से कोई प्लान डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।